ले चलते हैं आपको झालावाड़ की इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर की और जी हां आपको बता दें जहां पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। वह अधिकारी जो वह सरकारी कर्मचारी जो सरकार से अपना वेतन तो वसूलते हैं किंतु जब बात आती है आम जनता की सेवा की तो वही जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए और अपने काम से बचते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा ही मामला जावर का सामने आया जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, ना तो चिकित्सक उपस्थित होते हैं ना कर्मचारी, जिसके चलते मरीज दर दर की ठोकरें खाने को है मजबूर। और साथ ही साथ बता दें जिसके चलते गरीब मजबूर मरीजों को भी प्राइवेट अस्पतालों में करवाना पड़ रहा है इलाज। झालावाड़ जिले के जावर पीएचसी पर इलाज की उम्मीद को लेकर पहुंच रहे मरीजों को डॉक्टरों और कर्मचारियों की मनमर्जी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण मरीज स्वास्थ्य केंद्र के बाहर घंटों इंतजार करते रहते हैं। वैसे तो राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य केंद्र जावर पर 9:40 तक अस्पताल का एक भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे मरीजों का अस्पताल के बाहर ही इलाज कराने के लिए इंतजार करना पड़ा। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की मनमानी के आगे क्षेत्र की जनता परेशान होकर निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करवाने को मजबूर है। हेलो हेलो सदा बोल रहा हूँ। हाँ सदम भाई, मैं यूँ कह रहा था, मैंने कहा अपने जावर पीएससी पे कितने का स्टाफ है? अपने तो दो कंपाउंडर है, इमरान है ना, बाकी तो वो कर्मचारी है जो काम करते हैं। समय कितनी बजे से कितनी बजे तक डॉक्टर साहब? अपना 9 बजे से 3 बजे तक। 9 से 3 बजे तक, 9:40 तक एक भी अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं पहुंचा आपका, क्या कारण है, क्या कमी है, किस लिए नहीं पहुंच पाए 9:40 तक स्टाफ आपका अस्पताल में? अच्छा, 9:40 तक कोई नहीं पहुंचा? 9:40 तक कोई भी नहीं पहुंचा सर। इमरान वही था, इमरान से मेरी बात नहीं। इमरान जब आपका फोन आया था तब इमरान आया था, उस टाइम पे 9:45 हो रहे थे सर। जी आप एक बार देख लेना, बोले अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। चलो ना, मैं आज इन पे जो भी है सब पे कार्रवाई करता हूँ जो भी है। क्यों इस मामले में, इस मामले में आप क्या कहोगे? आप तो हमें तो ये बता दो बस कि इस 9:40 तक अस्पताल में एक भी आपका कर्मचारी नहीं पहुंचा, 3-4 जो कर्मचारी है, एक डॉक्टर साहब आप भी हो और जो क्षेत्र की, नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो सर, क्षेत्र की जनता है, घंटों इंतजार पता, हमने उनसे पूछने के बाद पता चला कि घंटों इंतजार करते हैं, उसके बाद भी अस्पताल नहीं खुलता, 10 बजे अस्पताल खुलता, इस मामले में क्या कहोगे आप? नहीं खेल, इसके बाद मामले में मैं इनको जल्दी पावन करूंगा, आज ही उनको पावन कर दूंगा, 9 बजे तब उपस्थित हो जाएंगे। जी है ना, कोशिश करेंगे, मतलब 9 बजे तो उपस्थित हो जाएंगे। जी जी ठीक है जी। तो सर जैसे आप की रोटी कहीं लगी हुई है या किस माँ कहीं नाम है? कांता भाई। कहाँ से आए हो आप? जावर। क्या लेने आए हो? बोतल चढ़ेगी। बोतल चढ़ेगी, बीमार हो रहे हो? हाँ। कितनी देर होगी आपको यहाँ बैठे बैठे? एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया। अच्छा, अस्पताल में कोई भी नहीं है क्या? अच्छा, तो पूछा होगा ना आपने किसी से कितनी बजे अस्पताल खुलता है, क्या पूछा? क्या 10 बजे का टाइम है, 10 बजे आएंगे डॉक्टर साहब। 2 बजे इतने इंतजार ही करोगे आप? है अब कई तरह बार बार आए नहीं जा रहे, बुढ़ापा है। और अच्छा, कल भी आए थे क्या आप? हाँ, कल नहीं आए, कल बाद जा रहे वो उम्मीद कर तरफ पे नहीं आ सकते। अच्छा अच्छा, फिर आ जाए एक बोतल चलेगी। अच्छा, नहीं घबरा, कल परसों बोतल चलेगी। जैसे इस तरीके से अगर डॉक्टर साहब लेट आएंगे तो बीमार तो जैसे है, इसे अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत तो आएगी। आएगी सही ना। काका जी रामलाल। रामलाल जी आज कहाँ आए हो आप? अस्पताल में आए। कितनी देर होगी आपको आए हुए? अभी आए तो 15 मिनट हो गया। 15 मिनट हो गए। अस्पताल खुल रहा है? बंद है अभी। बंद है, कोई भी नहीं है? कोई नहीं है अभी। अच्छा, किस चीज के लिए आए हो आप? ये बुखार वुखार आ रही है। बुखार आ रहा है तो इंतजार कर रहे हो डॉक्टर साहब का? अच्छा, कौन से गाँव से आए हो? गजवाड़ी। गजवाड़ी, तो ये अस्पताल रोजाना इसी टाइम पे खुलता है या आज ही खुला? मैं तो आज ही आया हूँ, पहली आई थी जब भी इस टाइम पे खुल गया। तो कितने? अच्छा, पहली भी आई जाऊँ एक महीना पहले जब भी इस टाइम पे खुला था। लेट ही खुलता था? लेट ही खुला। अच्छा अच्छा, तो लेत ला ली तो कर दे डॉक्टर साहब। हाँ, अब आया ही नहीं ना अभी तक, इंतजार कर दिया।